स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। अभी तक जो हमने इसमें टॉपिक डिस्कस किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी हम उसे बोलते हैं। फिर हमने क्वेश्चंस किए थे नेचर ऑफ रूट्स के रिलेटेड, नेचर ऑफ रूट्स, इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल, डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अनइक्वल, इफ डी इक्वल टू 0 तो रूट्स आर, इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और लास्ट हमने बताया था डी लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। तो हम उससे आगे चलते हैं यार। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, अब हम उन्हें सोल्व करेंगे, जो हमारी डेली लाइफ में जो हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ टाइप्स है हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम में। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, ये नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके बाद सम जनरल प्रॉब्लम हम करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड एंड टाइम, देन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज, प्रॉब्लम रिलेटेड टू परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स जैसे प्रॉफिट लॉस। तो इस तरह से काफी टाइप्स की प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी इससे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम और नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। एक नेचुरल नंबर, ध्यान रखना, नेचुरल नंबर और उसके स्क्वायर का जो सम है वो 56 है, देन फाइंड द नंबर। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए जितनी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा उनमें से एक प्रॉब्लम एग्जाम में 100% आती है, सो आप बहुत ध्यान से इन्हें करेंगे, बहुत आसान होती है। देखिए अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड्स आते हैं, तो हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड या बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको उसी मेथड से अपनी इक्वेशन को सोल्व करना है। अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो आपकी मर्जी है, आपको जो इजी लगता हो। तो सबसे आसान फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है। स्टार्ट करते हैं, लेट नेचुरल नंबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ नंबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 156, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। अब हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे आप 9th में करते थे या इससे पहले भी क्लासेस में मैंने आपको सिखाई है। तो 27 जा 14, 28 जा 16, 2, 3, 13, 3 जा 9। तो ये आपका जो आया, यहाँ से आप देखिए यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 13, तो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12। तो अब आप देखिए ये आएगा 13 माइनस 12 एक्स इक्वल टू 156, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया, x प्लस 13, यहाँ से माइनस 12 कॉमन आ गया, x प्लस 13 इक्वल टू 0। टोटल में से x प्लस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0 हमारे पास कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप इसे हटा दीजिए, यहाँ से हमारा आता है x प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 13, यहाँ से आया x इज इक्वल टू 12। अब क्योंकि बात चल रही है नेचुरल नंबर की, ठीक है, तो माइनस 13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, माइनस 13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो x इज इक्वल टू 12 इज द आंसर। अब उसने क्या पूछा है हमसे, फाइंड द नंबर, तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस नंबर इज 12।
सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट जहां भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, सुनिए, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 32। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर भी स्क्वायर रूट गिवन हो वहां पर आप क्या लिखेंगे, लेट नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर को आप वहां पर एक्स स्क्वायर मानेंगे। देखो नेचुरल नंबर को मैं कुछ भी मान सकता हूं, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो मैंने क्या माना, एक्स स्क्वायर माना। क्यों, कारण क्या है ऐसे मानने का, रीजन ये है इसका, जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर वो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये आएगा सिंपल एक्स। अगर आप इसको एक्स मानते स्क्वायर रूट तुम्हारा फिर ये आता, फिर इसको सोल्व करने के लिए आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ती, तो इसलिए हम क्या मानते हैं ऐसे क्वेश्चनों में एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, इजी रहता है सोल्व करना। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मीन्स दिस इक्वल टू 132, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू जीरो। देखिए सबसे आसान होती है लैंग्वेज प्रॉब्लम, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आता है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तीन चार स्टेप के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी और अब आप इसे सोल्व करके अपना आंसर लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसकी स्प्लिटिंग होगी हमारे पास 12x माइनस 11x माइनस 132, यहां से x कॉमन ले लिया x प्लस 12, यहां से माइनस 11 कॉमन ले लिया x प्लस 12 इक्वल टू जीरो, टोटल में से कॉमन आ गया हमारे पास x प्लस 12 और x माइनस 11 इक्वल टू जीरो, सेम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम, आइदर x प्लस 12 इक्वल टू जीरो और x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए यहां पर x इज इक्वल टू हमारे पास आया माइनस 12 और यहां से आया हमारे पास x 11, ये नॉट पॉसिबल है, x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, ये स्क्वायर रूट है, नेचुरल नंबर तो यहां था। अब आप देखिए रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, कभी भी आप जब स्क्वायर रूट निकालोगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आता, इट मींस x भी नेगेटिव नहीं आ सकता और यहां पर x नेगेटिव है, क्योंकि लिखेंगे सिंस स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो सो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सो x इज इक्वल टू 11। जब x 11 आया है हमें निकालना क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, x स्क्वायर, सो नेचुरल नंबर इज 11 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर आपने माना हुआ है, x की वैल्यू 11 आई है, तो आंसर आ गया 121। तो सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम कौन सा है। क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड द नंबर। देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, तो नंबर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, व्हाटएवर जो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। फिलहाल द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28, ध्यान से देखिए, लेट टू नेचुरल नंबर्स आर x एंड 28 माइनस x, ये ध्यान रखना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, वो सिंगल वन वेरिएबल में होती है, मतलब तो कोशिश ये करना कि दूसरा वेरिएबल कम से कम हम इंट्रोड्यूस करें, अगर पॉसिबल हो तो उसे आप इग्नोर करें। हालांकि मैं इसको कर सकता था, लेट टू नेचुरल नंबर आर x एंड y, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्व करते थे, बट अगर पॉसिबल हो तो उसको वन वेरिएबल में ही लाओ,
कि दोनों का सम 28 है और एक नंबर x है तो दूसरा आपका 28 माइनस x ही होगा। अब देयर प्रोडक्ट, देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है हमारे पास वो कितनी है 192। तो प्रोडक्ट मीन्स x इंटू 28 माइनस x इक्वल टू 192, 28x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 192, x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अगर हम चाहें तो यहाँ क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, खुद भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन दो चार क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर dys लिख दूंगा। dys मींस डू योर सेल्फ, अपने आप करें, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक बन गई है, स्प्लिटिंग हमें आती है। फिलहाल 192 को हम 28 को हम फैक्टर्स करेंगे जिनका सम आए 28 और प्रोडक्ट आए 192। तो जैसे कि 29 जा 18, 26 जा 12 ये आएगा, 24 जा 8, 28 जा 16, 24 ये आपका बना 12, ये मिल गया आपको 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 16 हुआ और प्लस 12 इक्वल टू 28। एक्स स्क्वायर माइनस क्या बना है हमारे पास 16x माइनस 12x प्लस 192 इक्वल टू 0। यहां से हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 16, यहां से हम 12 कॉमन लेंगे, तो आंसर बना x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर हम लिखेंगे आइदर आइडर x माइनस 16 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 12, बोथ आंसर आर राइट। क्यों? नेचुरल नंबर है, 16 भी नेचुरल नंबर है, 12 भी नेचुरल नंबर है, ये तो हमारे x की दो वैल्यू हो गई। तो x की दो वैल्यू नहीं होती है, यही दोनों हमारे नंबर हैं, 16 प्लस 12 इक्वल टू 28। अगर आप x की वैल्यू 16 लेते हो और यहाँ पर 16 डालते हो तो कितना आएगा 12, अगर 12 लेते हो यहाँ पर 12 डालते हो तो यहाँ पर आएगा 16, तो 16 12 या 12 16 एक ही बात होती है। सो नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स आर 12 एंड 16 या 16 एंड 12 सेम है, आप इसको पोज करें और अब से नोट करें। क्वेश्चन इज द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजर्वेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज 452, फाइंड द नंबर। देखिए इवन नंबर है, कंजर्वेटिव है, तो क्या होते हैं कंजर्वेटिव इवन इवन नंबर, देखिए सोल्यूशन देखिए इसका। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स आर, देखिए टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। देखिए कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे दो के बाद चार कब आएगा, जब मैं 2 प्लस करूंगा। तो ये मैंने x ले लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू नेक्स्ट इवन नंबर। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो ये 4 बनेगा, 4 होगी तो 6 बनेगा, 6 होगी तो 8 बनेगा। हाँ अगर इवन के प्लेस पे ओड होता तब भी हम यही देते, क्योंकि 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो अब दोनों पॉजिटिव आपके इंटीजर्स हो गए, सॉरी कंजर्वेटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर्स मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 452। सो एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस 4x इक्वल टू 452, ये बनेगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 448 इक्वल टू 0। यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं
इक्वल टू दिस। अब हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, 224 को हम स्प्लिट करते हैं, जो सम माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 224। ये आपका बना 16 माइनस 14, तो 16x माइनस 14x, यहां से x कॉमन ले लिया, यहां से 14 कॉमन ले लिया, टोटल में से x प्लस 16 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। अभी आप यहां पर देखेंगे कि आइदर x प्लस 16 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6 नहीं हो सकता, पॉजिटिव बात कर रहे हैं वो, तो सिंस पॉजिटिव ये नॉट पॉसिबल हो गया हमारे पास, वो नेगेट कर देंगे हम, x इज इक्वल टू 14 इज द आंसर। तो एक तो हुआ 14 और दूसरा क्या हुआ कंसेक्यूटिव के बाद, 14 के बाद क्या आएगा 16, तो आंसर इज टू इवन नंबर्स आर 14 एंड 16। सो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 हूज प्रोडक्ट इज 648। अब सुनिए, कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ध्यान से देखना जरा। अब आप देखिए, लेट 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, एक तो होगा 3x और एक होगा 3x प्लस 3। देखिए, जैसे मान लो 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, तो प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करने पर ही आएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3x हमें लेना पड़ेगा। क्यों? अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 होगी तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। अगर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 आता है तो 4x और 4x प्लस 4, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 आता है तो 5x 5x प्लस 5, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो है उनकी प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 648, 3x 3x प्लस 3 इक्वल टू दिस, यहां से हम 3 को ले सकते हैं डिवाइड में, 3 यहां से कॉमन ले लेते हो 9 बन जाएगा यहां पर, तो ये 9 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 9 को अगर हम ले जाए यहां इसके डिवाइड में तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। इस वीडियो में इसकी 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। देखिए, कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, बस सही होनी चाहिए। यहां से x कॉमन ले लिया x प्लस 9, यहां से माइनस 8, तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 9 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप देखिए, x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 और यहां से आता है x इज इक्वल टू x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। सो ऐसे नेगेटिव कर देंगे हम नेगेटिव साइन को, x इज इक्वल टू हमारे पास 8 आया। अब x की वैल्यू को हम यहां पर डाल देंगे, सो मल्टीपल ऑफ 3 आर, 3 into 8 प्लस 3, देखिए यहां पर डाल दिया हमने, तो ये आया 24 और ये आया हमारा 27। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।
क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15। देखिए सॉल्यूशन देखिए, अभी आपका बेसिक चल रहा है ये लैंग्वेज प्रॉब्लम का, इसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे, स्पीड वाले क्वेश्चंस आएंगे, एज वाले आएंगे, नंबर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे, तब जाकर के आपको और काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी। तो फिलहाल द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 15, तो हम क्या लिखेंगे, लेट नेचुरल नंबर्स आर एक्स एंड 15 माइनस एक्स। अब आप लिखिए रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके रेसिप्रोकल का सम मतलब 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10 जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। देखिए मैं पहले ही क्लासेस में आपको समझा चुका हूं ऐसी इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो अब आप देखिए यहां से x और 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3/10 ये कट गया। अगर कैलकुलेशन हो अच्छी तो बहुत अच्छी बात है, जो कटाओ काटते जाइए। 3/5 = 15, तो 5/15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/10, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 = 15x माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 = 0, सबको इधर लिया है। अब इसकी स्प्लिटिंग करेंगे हम, 10x माइनस 5x प्लस 50 = 0, x कॉमन आ गया x माइनस 10, 5 कॉमन आ गया x माइनस 10। अब आप देखिए x माइनस 10 एंड x माइनस 5 = 0, x की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू यहां से 10 आई और दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही लेनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में हमारा आंसर जो आएगा, क्योंकि सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 15 है, तो 10 प्लस 5 15, सो दोनों आंसर ये हमारे आ चुके हैं। देयरफॉर नेचुरल नंबर आर 5 एंड 10, क्यों, क्योंकि भाई नंबर्स यहां से निकलेंगे हमारे पास, अगर x की वैल्यू 5 रखता हूं तो दूसरी अपने आप 10 आएगी, तो 5 वो 10 ही आएगी, 10 रखोगे तो ये 5 बन जाएगी, बात एक ही है। सो वीडियो को पॉज करते हैं, आप इसे द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/28, फाइंड द नंबर। डिफरेंस का मतलब होता है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3, तो डिफरेंस मीनिंग आप देखिए कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 ज्यादा है, ठीक है, या कह सकते हो एक नंबर दूसरे से 3 कम है, बात एक ही है। अब आप थोड़ा यहां पर सुनिए ध्यान से, मैं बताऊंगा आपको। लेट टू नेचुरल नंबर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 3, या आप एक्स एंड एक्स माइनस 3 भी ले सकते हो। अब यहां पर जो मैं बताऊंगा वो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले आप इनका रेसिप्रोकल निकालिए, रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर्स आर एक्स का रेसिप्रोकल 1/x और x प्लस 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/x + 3। अब यहां पर सुनिए दोनों रेसिप्रोकल का डिफरेंस 3/28 है, तो सबसे पहले डिफरेंस की मीनिंग क्या होती है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, मींस बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना। जैसे मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 11 एंड 15, तो आंसर क्या आएगा, 4। और अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 15 एंड 11, तब भी आंसर कितना आएगा, 4। ये ध्यान रखना डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा, जब भी दो नंबरों का डिफरेंस पूछे बड़े में से छोटा माइनस करना है हमेशा, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं ये कहता कि सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 11, तो -4 आप लिख सकते हो। अगर मैं कहता हूं सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 15, आंसर आया 4।
दोनों में अलग अलग आंसर आया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करके लिखना है, तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहला है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, बड़ी जो भी बड़ी होगी माइनस छोटी। तो फ्रैक्शन का हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, आपने ये 6th-7th में पढ़ा होगा। मान लीजिए अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है, इसका भी 3 इसका भी 3, तो ये ध्यान रखना जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है दूसरी वाली से, ये ध्यान रखना। अब लेकिन एक कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, वन 3 और 3। अब यहां पर भी न्यूमरेटर 1 है, यहां पर भी न्यूमरेटर 1 है, दोनों का सेम है। अब मुझे पता करना कि इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो कौन सी बड़ी है जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, किसका डिनोमिनेटर छोटा है 1/x का, x इज लेस देन x प्लस 3, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं मान लीजिए 2, तो ये बन जाएगा 5 x, तो इसका मतलब x इज लेस देन x प्लस 3, जब x x प्लस 3 से छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ी फ्रैक्शन माइनस छोटी फ्रैक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस है इसका 3/28, चेक कर लेते हैं एक बार जी 3/28। अब आप इसे खुद करेंगे, चलो अभी मैं आज की क्लास में सोल्व कर देता हूं, आंसर ले लीजिए यहां से आप। एक्स एक्स कट गया, 3 से 3 भी काट दीजिए, बचा तो ये बचा हमारा 1/x² + 3x = 128, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 128, तो x² + 3x - 28, स्प्लिटिंग कर दीजिए इसकी 7x - 4x = 0, x कॉमन ले लिया x + 7 - 4 कॉमन ले लिया x + 7 = 0, तो x + 7 x - 4 = 0, यहाँ से आया -7, यहाँ से आया x = 4, -7 हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है, सो x = 4 इज द आंसर। हमें निकालना क्या है, नेचुरल नंबर निकालने हैं, तो नेचुरल नंबर आ गए हमारे 4 and 7, सो आंसर इज यहाँ पे लिख दिया आंसर, सो नेचुरल नंबर आर 4 and 7। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, ये रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट, ये जो डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये ध्यान रखना, ये बहुत यूज होगा स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन में, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। सो पॉज द वीडियो, बेटा क्वेश्चन इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 1225, फाइंड द मल्टीपल्स। देखिए कंसेक्यूटिव है, 7 का मल्टीपल है, मैंने पहले भी अभी आपको इसी क्लास में इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर आप एक बार देख लीजिए। लेट 2 कंजर्वेटिव मल्टीपल ऑफ 7 आर 7x and 7x + 7। अब उनके सम ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों नंबरों के स्क्वायर का सम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजर्वेटिव नंबर इज 1225। यहाँ पर आप देखिए 49x², देखिए कैलकुलेशन करनी है, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा 49,
तो यहां से अगर मैं 49 कॉमन ले लू तो शायद, पता नहीं है, चेक कर लेते हैं, शायद ये इसके टेबल में पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारे पास आएगा जैसे 1225 को अगर 49 से डिवाइड करते हैं, 49 to 98, 5 बचा, 4 बचा, और यहाँ से आपका 2 बचा, तो ये आएगा 5। जी करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर बोल दीजिए प्लस 2x + 1 = ये 49 से कट के 25 आया, 2x² + 2x - 24 = 0। यहाँ से x 2 कॉमन ले लेते हैं तो 12 = 0, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी 4x - 3x, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 4x - 3x - 12 = 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, तो x + 4x - 3 = 0। x = -4 is not possible, मतलब इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव को हम नेगेट कर देते हैं, तो x = कितना आया हमारे यहाँ से 3। तो नंबर्स आर, अगर हम 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर डालेंगे तो 21, यहाँ पर डालेंगे तो 28। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लिया। सो डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स हूज प्रोडक्ट इज 680। देखिए 57 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनकी प्रोडक्ट 680 है। तो अब आप लिखिए यहां पर सॉल्यूशन लिखिए, लेट 2 पार्ट्स ऑफ 57 आर x एंड 57 - x। 57 में माइनस कर दीजिए तो दूसरा पार्ट निकल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 680, तो 57x - x² = 680। तो x सबको ले जाइए, x² - 57x + 680 = 0। देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए तो मैं उसको इधर ले गया और इसको भी इधर ले गया तो ये रिजल्ट आ गया। अब 680 के फैक्टर करने हैं, प्लस करेंगे तो 57 और मल्टीप्लाई करें तो 680। ये हो गया 5 × 10 × 20 × 40 + 17 = 57 x² - 40x - 17x + 680 = 0। यहां से x कॉमन ले लिया, यहां से 17 कॉमन ले लिया, तो x - 40 और x - 17, x की वैल्यू 40 आई, x की वैल्यू 17 आई, कोई भी नेगलेक्ट नहीं होगी, इसका मतलब दोनों मिलाकर के आंसर आ गया दोनों को मिला के आंसर आ गया 57। तो नंबर्स आर, सो पार्ट्स ऑफ 57 आर तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, वीडियो को पॉज करके सारा नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको, अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी प्रॉब्लम ऑन नंबर से रिलेटेड ही होगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, सो पॉज द वीडियो, रिटर्न। आज की क्लास में इतना ही करेंगे।